मध्य प्रदेश शासन के स्कूल चले अभियान के अंतर्गत शाला तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय कृषि उपज मंडी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां नर्मदा दिव्यांग विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के द्वारा सरस्वती वंदना से हुआ। प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सम्मानित किया। अपने उद्बोधन में स्थानीय विधायक सचिन बिरला ने कमलनाथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। इसके पश्चात कैबिनेट मंत्री डॉक्टर साधो ने भी कमलनाथ सरकार की अब तक की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं से जनता को अवगत कराया। अवगत कराते हुए पिछले भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विद्यार्थियों को 5वीं-8वीं की कक्षाओं में परीक्षाओं में पास करके आगे की कक्षाओं में भेज दिया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया और उन्होंने मूल्यांकन करने के बाद ही अगली कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। बेटियों के विकास के बारे में बताते हुए कहा कि आज बेटियां भी फाइटर जेट चला रही हैं, जहां चला रही है मेट्रो ट्रेन चालक बन चुकी हैं। ये शिक्षा का ही प्रभाव है। बड़वाह विधानसभा ने कांग्रेस की विचारधारा को जनादेश दिया है। हम पूरी कोशिश करेंगे जन समस्याओं के लिए। मैं खुद पूरा समय दूंगा और क्षेत्र के विकास के लिए हम मिलजुल कर प्रयास करेंगे। बड़वाह से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। मैंने अपने भाषण में स्पष्ट निर्देश दिए हैं एसपी कलेक्टर प्रशासन को, कितना बड़ा भी नेता हो, आधे घंटे से ज़्यादा किसी का भी इंतजार नहीं करना। कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर चालू कर दिया जाना चाहिए। यदि विधायक हो तो वो कलेक्टर हो या एसडीएम हो या जनप्रतिनिधि हो, जनपद, जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका, इनके माध्यम से करा लिया जाना चाहिए। महेश्वर से पूरे रास्ते भर 50 मंच। अब यदि प्रभारी मंत्री रुके नहीं तो उससे खराब आदमी कोई नहीं। ये राजनीतिक मजबूरियां हैं। आप सड़क पे मंच लगा के आदमी खड़ा है गाँव गाँव में, आपको रुकना पड़ेगा। ये सामने मजबूरी नहीं समझता है मंच लगाने वाला कि आगे अगला कार्यक्रम है उसमें क्या स्थिति है। सर नेपाल नगर के अंदर निर्देश दे दिए एसपी कलेक्टर को कि आधे घंटे ज़्यादा किसी नेता का इंतजार, बच्चे बच्चों का कार्यक्रम ना किया जाए, बाकी तो चलते रहते हैं कार्यक्रम। सर नेपाल नगर तहसील के बदनावर के अंदर वन विभाग के पट्टों को लेकर कुछ घटनाक्रम हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसमें स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए हैं, बड़ी जाँच के आदेश दे दिए हैं, तो उसमें कहने का कुछ नहीं है। अब तो करके दिखाने का मौका है और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए क्या किया जाएगा, खासतौर से खरगोन जिले और उसमें विशेष बढ़वा? ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं लोग यहाँ से। भाई साहब हाँ। चलिए मैं ऊपर का सवाल कर लेता हूँ। राहुल जी के इस्तीफे के बाद सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों में धड़ाधड़ इस्तीफा। आज बिट्टा जी ने भी मंत्रिमंडल से अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसी संभावना है? तो नहीं, सिद्धू जी ने मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल तो पहले ही राहुल जी के कदमों में इस्तीफे रख चुका है। ये स्पष्ट उन्हें अधिकार दे दिए हैं कि नया मंत्रिमंडल बनाना, जो करना आप बना दें, हम सारा मंत्रिमंडल एकजुट है और हमने इस्तीफे की पेशकश बहुत पहले कर दी है मध्य प्रदेश को। पर यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति है नहीं। यहाँ निर्देश दिए गए हाईकमान के कि मजबूती से जुड़े रहो। भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक टारगेट बनाते जा रही है प्रदेश को, जहाँ पर बहुत अल्पमत। देखिए, जिस प्रदेश में तानाशाह राज करता है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह इस देश में राजनीति कर रहे हैं, तो उन लोगों से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि लोकतंत्र की रक्षा हो पाएगी। हॉर्स ट्रेडिंग जैसा घृणित काम, हॉर्स ट्रेडिंग मतलब विधायकों की खरीद करो, जिन्हें अपने बाहुबल पर विश्वास नहीं होता, इस तरह के घृणित चालों से चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करते हैं। ये तो इस देश और उन प्रदेश की जनता को सोचना पड़ेगा कि आपने सरकार को 5 साल का मैंडेट दिया है, नेताओं को 5 साल के चुन के लिए विधायक और सांसद बनाया है। यदि इस तरह के घृणित तरीके से खरीद फरोख्त के जरिए यदि सरकारें गिराई जाएंगी, तो क्या इस देश की जनता बार बार चुनावों के लिए तैयार है क्या? तो ये लोकतंत्र के माध्यम पे दो लोग कलंक हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। सर इसको लेकर आप बता रहे हैं कि अमित शाह और मोदी जी कलंक है, कल आपके लोकतंत्र के माथे पे कलंक है, यही तो मीडिया की जादूगरी है, ये कलंक ही बता दिया सीधे। अरे लोकतंत्र के माथे पे कलंक है। सर आपने कहा था ये किसान ऋण माफी योजना सरकार ने लागू की है, डिफॉल्टर किसानों के खातों में तो सरकार ने पैसा डाल दिया है, लेकिन जो रेगुलर किसान भरते हैं पैसा, उनके खातों में पैसा कब तक आ जाएगा? अब दूसरा स्पेल चालू हो रहा है, 50,000 तक के कर्ज माफ सभी किसानों के हो गए।